તમે કિસી નહીં શીખાઈ જે તમે નથી ગઈ પડો पहुंचे मुलेर के पास तो मुलेर ने जो है वो चावल पकाना शुरू कर दिया। हमें देखकर पूछा भी नहीं चावल पकाने या नहीं पकाने, क्या करना है, कुछ खाना पीना है या नहीं है, पूछ बगैर ही पकड़ के ना देख रहा बड़ा सा चाड़ के उसने कहा जी मैं चावल पका रही हूँ भाई यार। चलो ठीक है और बने नहीं पीना ठीक है। ये जी चावल खा रहा है बंदा, दिखाता हूँ कौन बंदा है, इतना सा पेट से खा रहा है, भूख बहुत लगी हुई है क्या। वो नब्बर पसीनो पसीनी हुआ पड़ा है, चावलों पे जोर लगा रहा है, खैर हमें हाँ जी भूख भी आने लगी। अच्छा कितने दिन भूखे थे? सुबह सुबह चाय पिया खाया बस। अच्छा फिर भूख लगी? भूख बड़ी लगती है, तेरे ढेड तो नहीं है? भूख लगती है, भूख भी आने लगती है। अच्छा ये जी नंबरदार कहता है मेरा इलाज करवाएं क्योंकि मैं खाता बहुत हूँ तो लगता नहीं है मुझको। ऐसे खाना टांगों में जाता है, कद दे ले। हाँ ये है, कद तो बढ़ गया है। हाँ ये बात है। चावल लगाओ भी, चावल लगाओ। चावल कैसे बने हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह। इधर से भी एक बंदा खा रहा है, इसको ऊपर दिखाता हूँ तो बाल बैठा ना। अच्छा यार तो ये चास कते हो दे रहे। चावल कैसे? मसाला मजेदार है। मजेदार चावल है, टेस्टी जैसे आते हैं। इसलिए दूसरी तीसरी प्लेट खा रहे हो? नहीं पहले है। अब बेदा माल समय देखन दिनो मेहरबानी करे, यहाँ तो बेइज्जती ना करे, मेहमान है वो। यहाँ तुम मेहमान हो, मेहमान नहीं है इधर, कोई मेहमान मेजबान नहीं है, समझ आई बात? फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी मुझे। आपकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी। जब घर ही अपना तो कौन मेहमान कौन मेजबान। चब्बल भाई या चंद्रा शर्म नहीं आती बात करते हुए? कौन मेजबान मेहमान, यहाँ बंदे तो रहते हैं ना, लोग हैं ना इस घर में, बंदे तो रहते हैं ना। काम का बेइज्जती ना करवाए मुझसे, बार बार बेइज्जती करवाते हैं, जलील होते हैं मुझसे। अच्छा खा खा तब तब और जरूरत हो तो कह देना, वो भी और भी दे देंगे दूसरा फिर खाना। आप चलते रहे। तो जी ये है मेरा प्यारा भांजा उबैदुल्ला खान बलोच। तो ये देखो पसीने में जो है शराबूर है यार। किधर तुमको गर्मी में किसने बिठाया रखा इतना कि इतने कपड़े तुम्हारे भीग गए हैं, क्या वजह बनी हुई है? काम करता हूँ और क्या करूँ यार, मुझे पता है तुम ढांढे की करते हो, ढांढे की गमी की मिही की है ना, बछड़ों की करते हो, फिर तो दूध ही पीते होगे, लेकिन मोटे क्यों नहीं हुए? बछड़ों का दूध नहीं होता है। नहीं सिर्फ बछड़े पालते हो, बछड़े की अम्मा नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा ठीक हो गया। तो जी बच्चे के पास जा रहे हैं जो सबका फेवरेट है, सबका पसंदीदा है, सबको अच्छा लगता है, बहुत ही क्यूट बच्चा है, मेहंदी बच्चा है, बहुत ही आला है। और असलम खान प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको हयाती दे, लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। चले जी चले।
ये देखें जी गांव का माहौल, यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त होते हैं, इनको खजूर कहते हैं। इसके साथ ये छोटे छोटे दरख्त हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा, जब हम यहाँ रहते थे छोटे छोटे थे तो यहाँ पे बहुत ही थे, लेकिन अभी जो हैं वो बहुत ही कम रह गए हैं ऐसे दरख्त खाने पीने वाले। तो मौसम की जो पोजीशन है, मौसम आज क्लियर नज़र आ रहा है, लग रहा है बारिश ना आए आज, तो गरीब सुस्क का जो सांस लेगा। और उन्होंने जो रखे हुए हैं जानवर वगैरह, वो जानवर भी सही सलामत रहे, उनके लिए टाइम पे चारा भी उनको खिला सकें। हैदरअली ऊपर हो, सीधे हो, सीधे 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 ढिन कर्नाटक, ढिन कर्नाटक, ढिन कर्नाटक, ढिन कर्नाटक, ढिन। वाह जी वाह, क्या बात है। ये जी बीबी, बीबी ओ बीबी, ओ बीबी क्या कर रहे हो? ये किसकी है? किसके घर पे आए हुए हैं? के घर ना तो सुनाओ ना। तो इस्लामाबाद क्या हाल है? तबीयत भी आप मल्ला कैसे हैं? हाँ जी वाह, चढ़ गए हैं, दर्द होता है? टीका लगा दिया? बोलिया अच्छा जी। ये रे सारे बच्चे खेल रहे। बिरान तबीयत कैसी है? टीका लगाया था, गोली खाई हुई? उस गोलू कूदे, ढोलू कूदे, ढोलू कूदे, ढोलू कूदे। ये जी ढोलू देखे, ये भी खेल रहा है, सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये किसी और का है, तो आपको मुलाकात करवाएंगे, किसके में आए हुए हैं तो आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखें जी आलू काटे जा रहे हैं, ये खाला काट रही है। हाँ जी, कैसा आके लगा है यहाँ पर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। हमें बताया भी नहीं उसने, किसके घर में आए हुए हैं? बता दूं? हाँ बता दे। आपने नहीं बताया? नहीं बताया। सरप्राइज देना है? सरप्राइज देना है। अच्छा, फिर सरप्राइज देना है तो बता दूं? मैंने तो बता दिया, मिले भी हूँ। अच्छा, मैं आई हूँ जैन खान लोग के घर में। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो जैन खान, उनके चैनल का नाम है जैन खान व्लॉग, आपने फुल सपोर्ट करनी है। अगर सपोर्ट ना हुई तो हमारा यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। हाँ जी। और वैसे बता दें कि आपके क्या लगते हैं? हाँ जी, मेरे लगते हैं क्या कहते हैं, भतीजे का बेटा है, मतलब आपका पोता। इनका पोता है जी, हमारा जो है भतीजा है। हाँ जी। और ये दादी है। हाँ जी, दादी है। दादी, दादी साहब ऐसे बुलाता है आपको? नहीं ऐसे नहीं बुलाता, चाची बुलाता है। हाँ जी। सही है, वो मेरे रिश्ते को देखता ना। हाँ जी। तो आप ये बना रही हैं? क्या बनाने का प्रोग्राम है ये पता नहीं, भाभी से पूछ कर बताऊंगी। ये जी बीबी, और आप कौन है? हसनैन। हसनैन, ये हसनैन है जैन का जो छोटा भाई है। तो इसके अबू जो हैं वो वफात पा चुके हैं, तो इन बच्चों के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है बहुत सारी। हम जो है पहली बार इसके घर आए हैं, अभी जैन नहीं मिला, वो काम पे चला गया है, कहीं काम कर रहा है, जब आएगा तो उनसे भी आपको मिलाएंगे। तो अभी जो है बीबी और हसनैन खेल रहे हैं ऐसे ना, साथ में कौन आ गया? ढोलू भी आ चुका है, ढोलू भी आ चुका है। चलो जी खेलो, चलो खेलो, चलो आप खेले, चलो उठाएं। ये देखें, ये देखें जी, हसनैन ने उठा दिया बीबी को और जा रहे हैं। ये जी मैं पहुंच गया हूं, भाभी कौसर और खाला। खाला आपने बताना था क्या पका रही हैं? मैं बना रही हूँ चिकन और आलू। अच्छा जी, हाँ जी। और भाभी साथ हैं? हाँ, दोनों मिलके बना रहे हैं दोनों। अच्छा जी, देखते हैं कैसे बनती है। हाँ। चेक नहीं, देखते हैं अब होता है क्या। हाँ जी, होता है क्या। ये थी जो भी डाल दिया है, तो अब डाला जा रहा है मसाला, प्याज डाले जा रहे हैं जी। प्याज भी डाल दिए थे, तो यहाँ पे अदरक और लहसुन है ना? अदरक नहीं है, बस लहसुन है। लहसुन है? हाँ जी। अच्छा जी,
माशाल्लाह जी, चिकन आ चुका है, तो आलू भी आ चुके हैं, और एक कोटर है। हाँ जी। तो आप मैंने। अच्छा जी, तो यहाँ पे मसाला अलीदा नहीं भुना, आग भी नहीं जल रही, लकड़ी गीली है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, बारिश का सीन है। हाँ। गीलिया पड़िया हुआ, गीली हो गई हैं सब लड़कियाँ। लड़कियाँ गीली हो गई हैं। लकड़ियाँ होती हैं। वही लकड़ियाँ बोल रही थी लड़की। हाँ जी, अब बोल जल्दी जाते हैं। यहाँ पे जी भाभी कौशल लो रही है आटा। हाँ जी, आटा ले रही है। अच्छा जी, जल्दी लोए, भूख की दाढ़ी लगी हुई है। अभी अभी तो चावल खा गए हैं, बहुत दम हो गया। इतना जल्दी? हाँ जी जी, बना रहे। भूख ज्यादा लगती है मुझे जी, बना रहे। लगता है डॉक्टर को चेक कराने पड़ेगा। अपना कमीज ले जा। कमीज कहाँ पे ले जाऊँ? अबू को बोला है, अबू का बोला है, उसने कहा जब घर जाएंगे तो पैर इलाज कराएंगे आप। हाँ जी, मामू भी आ चुके हैं। मामू क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाल है? ठीक ठाक। तबीयत भी आप पहुँच गए हैं, देख लो। हाँ जी, माशाल्लाह जी, चिकन भी आलू भी डाल दिए थे। हाँ जी, एक साथ मैंने डाल दिए थे सब। हाँ जी, तो पानी इसमें डालूंगी, अभी थोड़ी सी देर है। हाँ जी, तो ये क्या देख रही है? ये सीख रही है आप सालन बनाना, सालन बनाना और रोटी भी बनाना, सब कुछ सीख लेना। ठीक है, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, अकरम भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है, कुछ ठीक है। किधर यार गायब हो गए, मिलते नहीं हो, नजर नहीं आते हो, क्या बात है? गायब ही है बारिशों की वजह से। बारिशों की वजह से, असल वजह यही बनी है कि बारिश है, कहीं सुबह दोपहर शाम बारिश, कहीं जाता नहीं बंदा। आज दोपहर सुबह की बारिश नहीं आई अभी तक, बचत हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और मजीद जो है बारिश ना आए जी, ये रहमत की बारिश होनी चाहिए, जहमत ना हो, अभी जहमत बनी हुई है। सही बात है, तो अल्लाह पाक अपना करम करे। बैठे जनाब, बैठते हैं। चलो यार, अब तुम घर जाओ, हम भी सुबह घर जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बस आज की रात है यहाँ पे, तो हम अपने घर जा रहे हैं, तुम अपने घर जाओगे। मैंने बोला था आपके साथ जाना है, फिर कैसे आप बोल रहे हैं? तुम्हारे कहने से साथ जाना है, तुम जो कहोगे साथ जाना, तो मैं साथ लेके चला जाऊंगा। मैं नहीं लेके जा रहा, ठीक है जी, और मैं नहीं लेके जाऊंगा, और जरूरत भी ना करना वहाँ आने की। अपने घर जाओ, वहाँ से मुझे फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इसको उधर भेजें, काम है इसमें करना है, ये काम के वजह से ना, काम करने की वजह से ये भागा हुआ है। तो तुम जाओ, निकलो यहाँ से, घर जा रहे हैं, तुम अपने घर जाओ। नहीं नहीं, ये क्या चलाया है, पहले बंद करें, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या चलाया, बंद करें ना इसको, कोई बात नहीं होना, तुम बताओ क्या है। ब्लैकमेलिंग हो रही है मेरे साथ, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग किस तरह की हो रही है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये मैं कह रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ, अपने घर जा रहे हैं सुबह। नहीं जाना, मैंने आपके साथ जाना है, देखता हूँ मैं कैसे नहीं लेके जाता। बड़ी बात है, साथ जाना है। हाँ जी, तुम्हारी जरूरत है, मैं ना लेके जाऊँ? जरूरत आपने सिखाई है। मैं जब ना लेके जाऊँ तुम कैसे जाओगे? आपने तो जरूरत दी है हमें, इस काबिल थे। आप लेके जाएंगे, मैं देखता हूँ कौन नहीं लेके जाता। चलो देखते हैं कौन ले जाता है, कौन जाता है, कौन नहीं जाता है। अगर नहीं लेके गए, ऐसा हशर होगा ना कि दुनिया देखेगी। क्या हशर होगा वे? आपका नहीं, बस वैसे हशर होगा, कोई तो होगा हशर। आप उस्ताद हैं? क्या हशर, हशर हशर मुझे किया हुआ है? क्या बकवास आ रहा है, क्या तमाचा बनाया हुआ है? मैं कह रहा हूँ अपने घर जाओ, निकलो। हम सुबह सभी, असलम खान, अकरम खान, सभी जो है हम घर वापस जा रहे हैं अपने घर, और तुम बोरे बिस्तर उठा के चलो अपने घर, निकल जाओ। चलो निकल जाओ, देखता हूँ कैसे निकालते हैं। देखता हूँ हसर होगा, अभी ऐसे शुरू कर दो। वैसे नहीं मानते तुम, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसा सही बात कर रहा था कि अपने घर जाओ, घर जाओ, लेकिन भूत
किसने बनाया? आपने तो बनाया। क्या महीना वहाँ लगा के आया था? वो मुझसे गलती हो गई थी। गलती हो गई उस्तादी दी है तो बना तो के गलती कर बैठा हूँ मैं। खुद पे नजामत हूँ, खुद पे शर्मिंदा हूँ, रो रहा हूँ मैं। आप हमने अच्छा समझा था आपको। बहुत बड़ी गलती हो गई बोलते। अब ये रोना धोना बंद करें। ऐसे फजूल से कैसे मिलते? क्या हुआ है? आप तो नहीं कदर करते, मैं तो करता हूँ। मेरा तो उस्ताद है। सबर करे, हौसला रखे। आपने जो बात सिखाई है मैं वही मानता हूँ। और आपने लेके जाना है ये तो मेरी भी सिद्ध है। मैं नहीं लेके जा रहा, मैं नहीं लेके जा रहा। तो मैं कह रहा हूँ मैं चाहूंगा कैसे नहीं लेके जाते। ये आंसू बड़े कीमती चीज होता है जो तुमने निकलवाए हैं। मैंने तुमने निकलवाए हैं सुंदरी आंखों से तुमने। तमीज किसी ने नहीं सिखाई? किसी ने तमीज नहीं सिखाई? बड़ों को कैसे बात करते हैं? कैसे बड़ों को बात करते हैं? किसी ने सिखाई? मैं चुप करता जाता, तुम बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। नहीं तो क्या कर लेंगे? दुनिया में तमाशा बना के क्या क्या कर क्या लेंगे? चाप देखे मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। जो करना जुरा था कर ले। ड्रामा बनाया हुआ है, ड्रामा बनाया हुआ है। ज्यादा ना बोला कर मेरे आगे, ज्यादा ना बोला कर। आप मेरे बाप के चल चल दफी निकल आन दलेर कितनी खड़ी चले चल रहे क्या चल रहे चल चल निकल बात तेरी निकलवा।